एक प्रकार की बताएंगे जो शहर के हालात आज हैं। शहर के हालात तो देश में दिखते हैं, आन जान का रास्ता बिल्कुल बंद पड़ा है। मैं ये गंजे का ठेला लगा जी, दो पैसे की दुकानदारी कोनी, गाहक तो वहीं से उल्टा हो लेता है खड्डे को देख के। सुबह आते हैं शाम में चले जाते हैं, अपना टाइम पास करके क्या करें। घर गुजारा कैसे करते हो फिर? गुजारा किए करा जी, मजबूरी है, मजबूरी में कहाँ जावा। ये देख लो ना, ये दिखने लग रही ये अगर सन चौक का हाल है। हाँ जी, ये अगर सन चौक है। आप अम्बेडकर चौक पे गए हो? अम्बेडकर चौक पे भी यही हाल है जी, चौमास में बारिश हो जी पर तो बिना बारिश भी ऐसा ही रहे। ये आज की बात को नहीं जी, इसने गड्ढे ना हुए ना, मेरे ख्याल में 3 महीने होती है यूं का यूं, जैसे अब है ये नहीं बरसात में ही ये ऐसा ही है। अरुण भाई, ये जहाँ आप खड़े हो इस नाले की सफाई कितने समय पहले हुई थी? भाई भी तो हमारे आगे 2-3 साल तो मैंने देखते ना हो गए, यहाँ कति कुछ नहीं हो रहा, पर ले उस तरफ तो हुई थी, अब इंगे ना कुछ नहीं हो रहा। फिर जो चौक पे जो पानी इसका तो शुरू से ही वही हाल है, आज तक इसका कोई सुधार नहीं है। कोई हादसे भी हुए यहाँ पे? भाई पर भाई गाड़े घने ही पड़ लिए, लेडीज पड़ ली। एक बार तो मैं ही पड़ गया था, रिक्शा में बैठ कर जा रहा था, जबकि बैटरी वाली रिक्शा में पलट के जा रही। कितने गहरा गड्ढा हो रहा है भाई इसमें? इतना पानी हो जाए स्कूटी के ऊपर तो पानी आना होता है। बारिश के दिन में तो और भी ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। देख भाई फिर तो पूरा भरा मिलेगा, पानी का निकासन है ना, पूरा ही भरा मिलेगा। तो आते हैं नगर पालिका नगर परिषद से? कोई कोई ना, अरे परे ना लाग रहे सारे परले रोड पेंगे ना, कोई ना आते। शहर का मुख्य चौक होगा ये? हाँ भाई, नाम अपना जी बताएंगे जो आज शहर के हालात हैं, आज क्या कहना चाहेंगे? तो बड़े बुरे हालात हो रहे हैं, मेरा ख्याल है सुधार नहीं होगा इसका। जल्दी इलेक्शन नहीं रहेगा, सरकार ध्यान नहीं दे रही काम पे, और मेरा ख्याल तो काम नहीं होगा। इलेक्शन का इसका के मैटर रहेगा भाई, इतना ध्यान ना दे, जो जुला इलेक्शन लगाऊंगा जब काम ने खेचना, इतना ध्यान ना दे, ठीक इतना कोई काम नहीं होगा। अरे थोड़ी देर में खराब मिट्टी रहेगी, सलानी गेट आऊ हूँ आने का कोई रास्ता हो जाए नु घुमकाना पड़ा, चौक उठू पूरा हाल है रास्ता जी, देखो गैर माजरी है, पढ़न का बहरा है, ऊपर लग पड़ा है, चोट लगा है, क्या रहता कुछ नहीं हो सकता भाई। आपका जो अम्बेडकर चौक है इस पे हादसे होने की भी संभावना रहती है? पड़ा भाई खूब पड़ा, लेडीज पड़ दी तो स्कूटी लेगा पड़ जाए घटे इतने और एकदम गाड़ी कम देने बैठा हुआ स्कूटी कोई हुई। मेरा नाम नवीन, और मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो ये खड्डे यहाँ पे हो रहे हैं बहुत ही खतरनाक खड्डे हैं, जो गरीब तमगा है ये रिक्शा वाले रेहड़ी वाले बेचारे यहाँ से ना तो रेहड़ी ले जा सकते हैं ना यहाँ से अपनी ये रिक्शा ले जा सकते हैं। बारिश आ जाए तो ये सारे नालों का पानी यहाँ इतना इकट्ठा हो जाता है, इतनी बदबू मारता है जिसकी हद नहीं। मेरी प्रशासन से यही गुजारिश है कि इसका समाधान जल्दी से जल्दी किया जाए, ताकि व्यापार भाइयों को भी कम से कम व्यापार करने में सुविधा मिले। ना तो यहाँ कस्टमर हैं जी, दुकानदारी में फर्क पड़ा होगा बहुत ज़्यादा जी, दुकानदारी में यहाँ कस्टमर रुक ही नहीं पाता, यहाँ किसी तरह से भी गाग नहीं उठ पाता, उनको बदबू आती है यहाँ पे नालों के पानी जो इस गड्ढों में भर जाता है उससे काफ़ी बदबू आती है। गाग जो है मुँह पे रुमाल ढक के मुँह पे चुन्नी ढक के जब अंदर घुसता है